बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 2 में जो है हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आप जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन पे जो हम मुख्तलिफ नंबर्स को शो करते हैं, और उसमें जो राइट साइड है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं ज़ीरो की राइट साइड पे, और ज़ीरो की जो लेफ्ट साइड है उस पर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसी तरह अब ये लाइन पर हम ये नंबर शो करेंगे, तो सेंटर में ज़ीरो होगा, और उसके बाद 1, 2 यानी राइट साइड पर जो है वो आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, और ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होंगे। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एरो का मतलब ही यही है कि ये आगे बढ़ रही है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम अपनी लिमिट के हिसाब से नंबर जो है वो ड्रा करेंगे। अब हमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 2/3 को शो करना है। 2/3 इज लेस देन 1 नंबर। अगर यहाँ पर 3/3 होता तो ये 1 हो जाता। अब क्योंकि ये 2/3 है, इट्स मीन कि ये 1 से लेस है लेकिन 0 से ग्रेटर है और पॉजिटिव नंबर है। ये बात याद रखिए कि ये 0 से ग्रेटर और 1 से लेस है और पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम अपने नंबर जो है वो रिकॉर्ड नंबर को 0 और 1 में देखेंगे कि हमारा नंबर जो है वो कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए 2/3 मीन 2 आउट ऑफ 3। हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है ये कोशिश करेंगे ये इक्वल डिस्टेंस हो, यानी हर नंबर में इक्वल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ये ना हो कि एक बड़ी एक डिस्टेंस ज़्यादा हो और एक कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 2/3 यानी 0 और 1 के दरमियान जो गैप है इसमें हम 3 पार्ट्स लेंगे। 3 पार्ट्स कैसे लेंगे, अगर हम 2 कट और लगाते हैं तो ये 1, 2 और ये 3 पार्ट्स हो गए। अब 3 पार्ट्स में से हमें 2 पार्ट्स चाहिए, तो ये जो सेकेंड लाइन है हमारी, सेकेंड जो पॉइंट है, ये हमारा 2/3 को शो करता है। इसलिए ये याद रखें कि 0 और 1 के दरमियान हम जो फासला है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हम लेंगे और वो हमारा रिकॉर्ड नंबर 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से -4/5 को हम शो करेंगे। 4/5 और नेगेटिव है, ये याद रखें, नेगेटिव भी है और ये 4/5 है, ये -1 नहीं बन रहा, ये -1 से पीछे है। तो अगर ये यहाँ पे -5/5 होता तो फिर ये -1, तो ये 0 और -1 के दरमियान आएगा, 0 और -1 के दरमियान, क्योंकि ये -1 से पीछे है। तो आप क्या करेंगे, 0 और -1 के दरमियान 5 पार्ट्स बनाएंगे, यानी जिस डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 पार्ट्स होंगे। तो 5 में से हमें 4 पार्ट्स चाहिए, तो इसलिए ये 1, 2, 3, 4 तो ये -4/5 को शो करेंगे इसको। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, 1/3/4, 1 होल यानी 1 कंप्लीट है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें से हमने 4 में से 3 पार्ट्स लेने हैं, और ये पॉजिटिव नंबर है, ये याद है कि साइन का ख्याल रखना है, ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर जो है 1 और 2 के दरमियान में हम लेंगे, क्योंकि 1 से ग्रेटर है, ये 1 होल है, होल को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 1 और 2 के दरमियान आएंगे, और इसमें हमें 3/4 यानी जो 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस है इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में से हमारे रिक्वायर्ड 3 है, तो ये 3/4 यानी 1 होल 3/4 यहाँ पर आ गया। तो ये नंबर लाइन पे हम अपने रिक्वायर्ड नंबर्स को इस तरीके से शो कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव नंबर को 0 की राइट साइड पर हम शो करेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एट द रैशनल नंबर्स की बाय क्यूब।
where p q are integers and q is not equal to zero. हमने जो नंबर हमें दी, ये रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर में ये जो डैश लगी हुई है ये शो कर रही है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं. रिकरिंग का मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, यानी 1 3 है तो नेक्स्ट भी 1 3 आएगा, नेक्स्ट भी 1 3 आएगा, ये रिपीट होते चले जाएंगे. इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेकेंड टाइम लिखा है कि एक्स इज इक्वल टू 0.131313 सो ऑन, यानी ये कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं. इसको स्टॉप भी कर सकते हैं लेकिन डॉट साल जरूर आएंगे क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 हम देंगे. अब क्योंकि ये यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा. इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स मूव करेगा राइट साइड पर, तो ये आपके पास 13.1313 आ जाएगा. 13.1313 सो ऑन, ये सो ऑन डॉट जरूर लगाने क्योंकि ये कंटिन्यू रिकरिंग है. इसको इक्वेशन नंबर 2 आप देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 100x माइनस x और 13.1313 माइनस 0.131313, तो ये 13.1313 सो ऑन, जो डॉट जरूर लगाने हैं, माइनस 0.131313 सो ऑन. इसको यहाँ पे आप 1313 तक, और इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 100x माइनस x इक्वल टू 13.1313 माइनस 0.131313. जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेसिमल पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा और सिर्फ 30 रह जाएगा. तो अब ये 99 100x माइनस 1x इक्वल टू, क्योंकि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है, तो 100 माइनस 1 99x आ जाएगा इक्वल टू 13. और अब 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल 13/99 आ जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पार्ट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेट एक्स इज इक्वल 0.67 रिकरिंग. अब रिकरिंग में जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने किया है, ये रिपीट हो रहा है 6 7 6 7 6 7 सो ऑन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब बिल्कुल इसी तरीके से प्रीवियस पार्ट की तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x इक्वल टू, ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पे, 2 डिजिट्स मूव करेगा, तो ये 67.6767 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. सेम पोजीशन है इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 100x माइनस x इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767. जब इनको माइनस करेंगे तो डेसिमल पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा और जस्ट 67 रिमेनिंग होगा. तो और 100 माइनस 1 इक्वल टू 99x, 99 इक्वल टू 67 और x इज इक्वल टू, अब ये 99 शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 67 डिवाइडेड बाई 99 आ जाएगा. अब इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. और जब भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है जो आपकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 16 को आपकी रीओपनिंग हो जाएगी, उस वक्त जब आप आएंगे तो आपका जो है वो एक ग्रैंड टेस्ट होगा. जितना सिलेबस पढ़ा गया है उस सिलेबस को आप अच्छी तरह तैयार करके आएंगे और आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा. इसकी प्रैक्टिस करें. अल्लाह हाफिज़.